नमस्कार, मैं लायंस अनिल भगड़िया, लायंस इंटरनेशनल, लायंस ग्रुप ऑफ न्यू पनवेल मेंबर। आज बाजार में, मार्केट में कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ अलग अलग तरह की चीजें चल रही है, बहुत कुछ अलग अलग तरह की बातें चल रही है। आम आदमी कंफ्यूज होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सब जानने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर भरत जी अग्रवाल, जो अपोलो हॉस्पिटल नई मुंबई में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। आप अपोलो हॉस्पिटल न्यू मुंबई में है और आज की तारीख में आपके मुलाकात होगी डॉक्टर साहब से। हम सवाल करेंगे और डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे कि आज के माहौल में क्या चीज सही है क्या गलत है। आपके सामने डॉक्टर भरत जी अग्रवाल। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कुछ कोविड के बारे में बाजार में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं टेक्निकली आपसे करता हूं, ये कोविड-19 कोरोना, ये वाकई में डिजीज है, वायरस है, इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है, उसका नेचर क्या है? तो जो वायरस का नाम है वो कोरोना वायरस है जी। कोरोना वायरस एक पुराना वायरस है, ये एक नया स्ट्रेन आया है। इस वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसको कोविड-19 का नाम दिया गया है जी। सो कोरोना इज द वायरस, कोविड-19 बीमारी का नाम। ये वायरस ही है, ये बैक्टीरिया नहीं है। अब तक ऐसे कहीं से भी जानकारी नहीं आई कि बैक्टीरिया है जी। सिर्फ एक वीडियो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ था जो बोल रहा है कि ये बैक्टीरिया है, इट्स अगेन नॉट ऑथेंटिकेटेड। यस। अच्छा, दूसरा इसका, जैसे आज दुनिया में अगर अपन देखेंगे इसको तो लगभग 216 कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा है। लगभग 4 लाख 4.25 लाख के आसपास इसमें डेथ भी हो गई है, 75 लाख के आसपास पेशेंट भी है, और इंडिया भी इसमें एक वन ऑफ पार्ट है। इन दिनों सुनने में आ रहा है शायद 4th नंबर पे या 5th नंबर पे है। ठीक है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, वो भी पॉसिबल है। तो मैंने देखा है कि WHO नाम की संस्था पूरी दुनिया में इस चीज को कंट्रोल कर रही है। हमारे यहाँ ICMR नाम की संस्था एक जो है उसका नाम सुनने को आ रहा है। क्या है ये ICMR, क्या होता है एक्चुअल में? सो बेसिकली ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जी। जो भी न्यू एंट्री दवाइयाँ रहती हैं, न्यू एंट्री वायरसेस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, बीमारियाँ रहती हैं, सो दे आर द गवर्निंग बॉडी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जी। जिसमें कंट्रोल ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, प्रोटोकॉल्स, पाथवेज, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट प्रोपोगेशन ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी और आगे कैसे नहीं बढ़े जी। रिसर्च ओरिएंटेशन, कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी कौन सी नहीं काम करेंगी, इन सब को गवर्न करने के लिए ICMR है। सो दिस इज इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ओके, तो जितनी भी अपने यहाँ पे मेडिकल एडवाइस वगैरह जो चल रही है, खास करके कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट कैसे होएगा, कहाँ होएगा, वो सब गाइडलाइंस ICMR का ही माना जा रहा है? यस, एज ऑफ नाउ ICMR गाइडलाइंस। ICMR जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को सपोर्ट करता है जी, एंड ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करके फिर गाइडलाइन बना के सेंड टू द मेडिकल फैसिलिटीज की ये फॉलो करती है। ओके, इसमें से थोड़ा सा लोकल कंट्रीब्यूशन, सो दीज गाइडलाइंस फिर स्टेट के पास आती हैं जी जी, फ्रॉम नेशनल लेवल। फिर स्टेट को जो अपने लोकल लेवल पे जो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइकेशन लग सकती है, फिर वो स्टेट करता है और लोकल म्युनिसिपैलिटीज करती है जी। लोकल उसमें क्या है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करना, क्या सुविधा उपलब्ध है जी जी, इसमें से कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जी, क्या टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध हैं जी, उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई लोकल अथॉरिटीज करती हैं, बट नेशनल गाइडलाइन इनकी तरफ से आती है। अच्छा, टेस्टिंग का आपने जिक्र किया, तो सर टेस्टिंग वाला जो इश्यू है वो भी थोड़ा सा लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये सुनने में आया है कि इसका टेस्टिंग थोड़ा महंगा है, 4,500 रुपया कुछ है, क्योंकि ICMR ने बोला है कि कुछ गवर्नमेंट लेब और कुछ वो लेब को ऑथोराइज किया है, हर एक आदमी उसका टेस्टिंग कर नहीं सकता है, जो ऑथोराइज है वो ही कर सकते हैं, और उनका एक रेट फिक्स कर दिया 4,500 रुपया। तो पहले तो हमने समझा कि 4,500 रुपया गवर्नमेंट ने शायद अपर लिमिट का कैप तय किया है, बाजार में उससे कम में भी मिल जाएगा, लेकिन वो तो बाटा कंपनी का रेट हो गया, सब 4,500 ही ले रहे हैं। सो इसमें जो कैपिंग है ये है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा जी, एंड 4,500 इज द स्टैंडर्ड ब्रैकेट रेट फॉर ऑल टेस्टिंग इन प्राइवेट सेक्टर जी, जो अभी फिलहाल में रेट महाराष्ट्र में कम किए हैं। हाँ, आज ही सुना है मैंने ऐसा कुछ हुआ है। फ्री टेस्टिंग अभी भी गवर्नमेंट में उपलब्ध है, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अभी भी फ्री है। ओके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करवाना है या प्राइवेट में टेस्ट करवाना है, या मरीज की चॉइस होती है या डॉक्टर की चॉइस होती है या हॉस्पिटल की चॉइस होती है? नहीं, तो ये पेशेंट की चॉइस है। ओके,
अगर पेशेंट प्राइवेट में दिखाता है जी, तो किसी के क्लिनिक में दिखाता है या हॉस्पिटल फीवर क्लिनिक्स में दिखाता है, आइडियली पेशेंट जिनको बुखार है जी वो डेडिकेटेड फीवर क्लिनिक्स अटेंड करें जी, हर ओपीडी में नहीं जाएं। तो अगर आपको फीवर क्लिनिक्स प्राइवेट में दिखाना है विच इज चार्जेबल, नहीं रह सकता नो डाउट, तो वो चार्जेस आप भरिए। उसमें से भी बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, जरूरी नहीं कि आप फीवर क्लिनिक गए तो आपको कोई एडवाइस करेंगे कोविड टेस्टिंग करनी जी। कोविड टेस्टिंग आपको करवानी इसलिए नहीं होगी जी, कोविड टेस्टिंग इसलिए होगी कि आपको क्राइटेरिया मीट करते हैं जी जो एक कोविड सस्पेक्ट में आता है जी। तो हर खांसी बुखार को पहले दिन पे कोई कोविड टेस्टिंग नहीं बोलेगा, बराबर जरूरत भी नहीं है उसका, प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स पे ही कोविड टेस्टिंग कराई जाएगी। पर बहुत सी जगह तो हमने सुना है सिम्टम्स भी होते नहीं और पॉजिटिव आ जाता है। हां, सो एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, जब हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं जी जी, तब हम लोग करवा रहे थे फॉर कॉन्टो एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट जी जी, ये इससे है जिससे कि वो और फैले नहीं जी, और आप उसको क्वारंटाइन कर सकें या घर में क्वारंटाइन कर सकें। जरूरी नहीं एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, बराबर है। तो आपने फीवर क्लिनिक अटेंड किया, हो सकता है आपने प्राइवेट में फीवर क्लिनिक अटेंड किया और आपको गवर्नमेंट में टेस्टिंग करवाना है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट में जो बैठे डॉक्टर हैं जी वो असेस करेंगे कि आपको टेस्टिंग करनी है कि नहीं गवर्नमेंट के अनुसार। सही बात है, एंड देन दे विल एडवाइस यू द टेस्ट जी। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं करेंगे कोई जी, दैट इज अ वेरी स्ट्रेट कट मैंडेट। हाँ, कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टेस्टिंग नहीं होगी जी, एंड प्रिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही होगा जिसमें एक फॉर्म भरा जाता है जिसकी वजह से आपके सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जी, आपकी हिस्ट्री और आपने ये टेस्ट क्यों एडवाइस किया गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइजिंग डॉक्टर की, बराबर है। तो इसको इतना सब कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, मतलब इसीलिए कि भीड़ नहीं हुए या कुछ और रीजन भी हो सकता है? दो चीजें हैं, एक तो पैनिक नहीं हो, भीड़ से ज्यादा पैनिक नहीं हो जी, क्योंकि किसी को एक छींक आई उसको लगता है उसको कोरोना हो गया, सीधा भागेगा हेल्थ केयर फैसिलिटी कि मुझे कोरोना टेस्ट कराना है। हां, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव जी, फर्स्टली यू कैन नॉट ओवरबर्डन द सिस्टम जी, एक सिस्टम की कैपेसिटी रहती है। अगर आप रोज 100 मरीज देख सकते हो, सडनली आप 1000 मरीज नहीं देख सकते, बराबर है। तो कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप रिस्ट्रिक्ट करें उसको। सही बात है, एवरी जस्ट क्योंकि आप पैनिक हो गए हो आपको कराने, इसके वजह से सिस्टम कैन नॉट टेक दैट रोल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, वीडियोज में देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है मालूम नहीं है, ये कोरोना का टेस्ट का जो सैंपल लेने को जो टीम आती है वो जैसा अपना ईयरबड्स होता है उस टाइप की कोई चीज जो है नाक में और गले में लगाती है, स्वॉप बोलते हैं। हाँ, और उसके बाद में वो उसको सैंपल को गाड़ी में लेके अपने लेबोरेटरी में चले जाते हैं, स्वॉप को और फिर क्लोज टेस्ट ट्यूब में बंद करते हैं जी, और उस टेस्ट ट्यूब से फिर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन देखा गया उस एरिया में जहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो क्या नाक से और गले से सैंपल लेने के दरमियान कहीं भी स्प्रेड होने के उसके चांसेस ज्यादा है? सी, इट इज एन एरोसोल बेसिकली, जो बंदा कलेक्ट कर रहा है, जो पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा है, जो आदमी जो भी हेल्थ केयर वर्कर कलेक्ट कर रहा है, उसको सारे प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी है जी, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेक्रेशंस हैं जी। हम लोग अपने आप को मास्क क्यों पहनते हैं या हाथ हैंड वॉश क्यों करते हैं, कि कहीं पर भी सेक्रेशन से कॉन्टैक्ट में नहीं है जी। तो टेस्ट कलेक्शन इज अ वेरी हाई रिस्क प्रोसीजर, तो इसलिए उसके लिए वो प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आम आदमी को ऐसा बताया गया है कि कोरोना का वायरस 3-5 दिन तो गले में रहता है, उसके बाद में वो चेस्ट की तरफ या फेफड़े की तरफ चला जाता है और फेफड़े की तरफ जाके अपना घर बनाता है, 10-15, 12-15 दिन में, 14 दिन में उसको एक रिस्क लेवल के ऊपर आता है। तो ये जो सैंपल कलेक्ट करने वाले वो तो केवल नाक और गले से किया, तो चेस्ट के अंदर जो डैमेज है उसका उससे मालूम हो जाता है? इट इज नॉट कि पहले वायरस इधर बैठा है फिर वायरस नीचे ट्रांसपोर्ट होता है जी, ऐसा नहीं नहीं है ना, ये एक गलतफहमी है जी। बेसिकली वायरस आपके थूक में आता है जी, सलाइवा से आता है जी, तो आपके जो रेस्पिरेटरी छींकते हैं तो नाक से जी प्रॉब्लम करते हैं, उसमें से निकलता है। सो बेस्ट सोर्स कलेक्शन नॉन इन्वेजिवली जो रहता है जी, दैट इज फ्रॉम थ्रोट एंड नोज जी। इन्वेजिव स्पेसिमेन कलेक्शन, अगर सपोज कोई वेंटिलेटर पे और आपको लेना है तो आप उसको अंदर ट्यूब डाल के ब्रोंकोस्कोपिक सेक्रेशंस ले सकते हैं, ओके, बट वो कॉमन प्रोसीजर नहीं है और उसमें इनफैक्ट हेल्थ केयर वर्कर की रिस्क बढ़ती है क्योंकि उसमें एरोसोल जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, ओके। जो लंग इन्वॉल्वमेंट होता है ये इसलिए नहीं होता क्योंकि लंग की वायरस नीचे गले से नीचे टपक के लंग में जा रहा है, ओके, या लूज मोशन इसलिए नहीं हो रहा कि आपने उसको वायरस को सॉलो कर लिया लूज मोशन जी जी। तो जब वायरस इन्फेक्ट करता है फीवर कैसे आता है जी जी, फीवर क्यों आएगा, क्योंकि वायरस की वजह से बॉडी एक इम्यून रिएक्शन जनरेट करती है, यस, एक सेल्स बनते हैं साइटोकाइन्स बनते हैं जी, तो ये जाके इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गन जी। तो व्हेन यू गेट इनटू अ साइटोकाइन स्टॉर्म, जब आपके लंग्स में जो इन्वॉल्वमेंट आने लगता है वो डायरेक्ट वायरल इन्वेजन की वजह से नहीं होता जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द
autoimmune reaction generated. Yes. So it involves all the organ systems. Yes, yes. अच्छा ये जो कोई पेशेंट है एडमिट हो गया है किसी हॉस्पिटल में चला गया तो हर दूसरे तीसरे दिन एक ही टेस्ट उसको करवाना पड़ता है, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट तीसरा टेस्ट, तो ऐसा कोई ये सीक्वेंस है क्या कि हर दूसरे तीसरे को बदली हो सकता है उसका? सी अगर आप एडमिट है हाँ एक तो क्या सिवियरिटी पे एडमिट है जी जी, तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केस में जाते हैं जी तो अभी आपको फुल फ्लेज हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं है जी, आप कोविड केयर सेंटर पे रह सकते हैं या घर पे होम क्वारंटाइन पे रह सकते जी, तो उधर डेली टेस्टिंग की कोई रोल नहीं है। हाँ ठीक है, एक बेसलाइन आपका सीबीसी चेक कर लेंगे, एस जी ओ टी पी टी चेक कर लेंगे, जो भी वाइटल पैरामीटर्स हैं वो चेक तो नॉर्मल लेवल में हो जाता है। इफ यू हैव मॉडरेट सिम्टम्स जी तो आप हॉस्पिटल में हो, हो सकता है आप ऑक्सीजन पे हैं जी, या आपको कभी कभी बाईपैक लग रहा है या हाई फ्लो ऑक्सीजन लगता है यस, तो इनमें हमको कुछ कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी जरूरी पड़ती हैं जी, आपके ब्लड इन्फेक्शन के काउंट्स, जिस प्रकार की दवाइयाँ यूज करते हैं कभी कभी उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। सही बात है, एलोपैथी में साइड इफेक्ट आते ही दैट इज एवरीथिंग यू हैव टू मॉनिटर, क्योंकि अब आप स्टीरॉइड यूज करते हो बॉडी की इम्यूनिटी दबाते हैं जिससे कि इम्यून रिएक्शन कम हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। सही बात है, सही बात है। कुछ मार्कर्स रहते हैं इन्फ्लेमेशन के, जैसे इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स रहते हैं या एलडीएच रहता है जी जी, जिस तो जो क्राइटेरियाज है ट्रीटमेंट के, अगर आपका ये लेवल का मार्कर इस लेवल से क्रॉस किया है यस, तो आप ये प्रकार की दवाइयाँ यूज कर सकते हैं जी जी, तो यू कैन क्लासिफाई पेशेंट्स की मॉडरेट सिवियर वेरी सिक पेशेंट्स जी जी, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेपी कर सकते हैं, प्लस यू हैव टू मॉनिटर कि वो रिकवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जरूरी है वो भी जरूरी है, क्लिनिकल पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बट साथ में लैब पैरामीटर भी इंप्रूवमेंट जरूरी है जी, ये टेस्ट बार थ्रोट स्वॉप बार बार नहीं करना था। okay. तीसरे दिन आप थ्रोट स्वॉप नहीं करोगे देखने के लिए कि वायरस अभी है कि नहीं। ओके, बिकॉज़ वायरस का आपने एक बार थ्रोट स्वॉप कर लिया वो पॉजिटिव आ गया तो उसको लेटेस्ट गाइडलाइंस है कि बहुत सीवियर केसेस में डिस्चार्ज से पहले बार करना चाहिए। ओके, बट अभी अदरवाइज अदर गाइडलाइंस है कि एट डिस्चार्ज टाइम यू डोंट नीड अ नेगेटिव स्वॉप, आपको 10 दिन 12 दिन क्वारंटाइन का जो है वो करने के बाद आपको मानना चाहिए कि ओके हो गया है। अच्छा ये टेस्ट का जो चार्जेस है, हालांकि सब्जेक्ट को इतना मेजर नहीं है, 4,500 रुपया था, आप 2.5 महीने 3 महीने तक 4,500 रुपया पे करते रहे, आज सुनने में आया कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे यार 2,500 हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जैसे बाकी लेबोरेटरी में होता है कि बड़ा पैसे का व्यापार होता है इसमें भी चल रहा हो कोई? बियॉन्ड माय आंसर किस बेसिस पे किया है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द किट, किट की कॉस्ट क्या है, और अगर प्राइवेट सेक्टर वाला कर रहा है तो जो एम्प्लॉई आता है जो हेल्थ केयर वर्कर आता है उसको भी पे करना जरूरी है नेचुरली, वो क्यों अपने जान जोखिम में डाले आपका सैंपल कलेक्ट करने के, अगर उसको कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा तो नेचुरली वो तो पैसा मिलेगा तो ही काम करेगा, उसको अप्लाई करना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द किट जी जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी, मैन पावर कॉस्ट यस, एक बंदे को आप डेली एक्सपोज नहीं कर सकते, नहीं नहीं नेचुरली उसको पुणे से आना है जाना है सब जगह, ऑल ऑफ दिस हैव टू फैक्टर। अच्छा अपने यहाँ पे जैसे एक ही तरह का किट एक ही एजेंसी के पास अवेलेबल है दुनिया में या बाजार में तो कुछ और किट भी अवेलेबल होंगे और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होंगी? पीसीआर किट्स हैं अभी तक एक ही प्रकार की पीसीआर किट्स हैं ऑल ओवर। ओके ओके, जो दूसरी किट्स अभी आता है अप्रूवल में चल रही है लेकिन आई नहीं, जिसको हम लोग IgG IgM किट्स बोलते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट जी जी जी, जो सिंपल भी है कॉस्टली भी कम रहती है जी और इजी भी है यूज करने में भी, उसमें टर्न अराउंड टाइम जल्दी आ जाता है जी, बट ICMR इज स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड दे शुड बी आउट वेरी सून, उसको वैलिडेट करना बाकी है जी, बना तो लेते हैं लोग लेकिन उसको वैलिडेशन भी करना जरूरी है। बराबर, जब तक वो चीज आएगी नहीं तब तक अपने को इसी के साथ से सर्वाइव पीसीआर, एंड पीसीआर अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये एंटीजन एंटीबॉडी भी आए किट्स भी आए एंटीबॉडी किट्स भी आए तो ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स चेक करते हैं जी, वायरस चेकिंग जी। अच्छा कोई सपोज करो कि कम्युनिटी है या सोसाइटी है या ग्रुप है वो चाहता है कि भाई हम लोगों में सब ठीक ठाक है ना, ऐसा कुछ जाँच करवाओ, कौन सी उसको जाँच करवानी चाहिए, कहाँ करवानी चाहिए? अगर आप कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में माहौल के माहौल से डर के बारे में, तो आप सी जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं किसी भी और बीमारी के जी जी, जैसे डायबिटिक हैं आजकल कॉमन है डायबिटिक के दो चार मिल ही जाते हैं, थायराइड के हैं या और दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको जो रेगुलर दवाइयां हैं जी वो कंटिन्यू करें जी, आपका जो रेगुलर टेस्टिंग की जो जरूरत है शुगर मॉनिटर करिए बीपी मॉनिटर करिए, ये सब पैरामीटर जितना हो सकता है नॉर्मल रखने की कोशिश करिए जी, पैनिक मत होइए, ऐसा कोई टेस्टिंग बार बार करने की जरूरत नहीं है कि आपका इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, सबसे बेस्ट सिंपल तरीका अपना टेम्परेचर देखते रहिए जी, बुखार आया देन कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर बराबर, बट अगर कोई सिम्टम्स नहीं है खाली बाहर निकालने के लिए करवाना हो तो नहीं करवाना चाहिए।
बिल्कुल जरूरत नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। एंड बिलीव मी, फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं और फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं, जो हर टेस्ट की एक फ्लॉ होती है जी। तो आपको सिम्टम्स कुछ भी नहीं, आप किसी कॉन्टैक्ट में हो, फॉर टेस्ट पॉजिटिव आ गया जी, तो आप चिंतित हो सकता है आपको सिम्टम्स और टेस्ट नेगेटिव भी है जी, जो फॉल्स नेगेटिव उसको बोलते हैं जी। ठीक है, सो देन यू आर फॉल्सली रीअश्योर्ड कि आपको नहीं, और आप हर जगह घूमोगे और आप फैलाओगे। तो टेस्टिंग जो है वो प्रोफेशनल्स के पास छोड़ दीजिए जी, जस्ट बिकॉज आपको करवाना है इसलिए अपने देश में अवेलेबल, आप यूके चले जाइए, आपको वहाँ पे सीबीसी भी अगर करवाना पड़ेगा जी, जब तक आपको डॉक्टर ने बोला आप नहीं करवा सकते। सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये कोरोना जो फैलने का जरिया, जैसे आपसे बात करने के दरमियान भी समझ में आया कि स्लाइवा या थूक के जरिए या नाक और मुंह के जरिए होता है, तो सपोज करो कि एक कोरोना पेशेंट है, अपने को मालूम है कोरोना पेशेंट है, टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया है, अच्छे से नाक और मुंह को अपन ने कवर कर दिया प्रॉपर सिस्टम से, जो भी अपन मास्क है या जो भी है, उसके बाद उसके शरीर के बाकी हिस्सों को छूने से कोरोना ट्रांसमिशन हो सकता है? अगर उसने टच किया हो, तब उसने अपने नाक टच कर, नहीं, अपन एक बार को ये मान ले कि उसको नहला धुला के साफ करके नाक और मुंह दो चीज बंद कर दी, बाकी शरीर में अगर कहीं से किसी ने कोई टच किया, कोई कॉन्टेक्ट में आया, तो कोरोना ट्रांसमिशन हो सकता है? जैसे स्वेट से है या टैन टच से, तो कहीं तो ऐसा नहीं है, नहीं होता है। बट देन आप इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपने उसको नहला धुला, लेकिन उससे पहले वो किधर किधर किया है, आपने वो पूरा एरिया जरूरी नहीं कि साफ रखा है। अगर उसने कहीं पे पहले से नाक और मुंह का निकला हुआ कहीं टच कर दिया होगा तो माना, लेकिन एक बार को हम मान के चले कि नाक और मुंह से निकला हुआ दो चीज को हमने कंट्रोल कर लिया, तो शरीर का कोई भी पार्ट्स के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता है, बॉडी के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो अभी इस चीजों को अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं और थोड़ा सा और गहराई में जाऊं, तो एक तो कोरोना हो गया, उसके नजदीक कोई जाता नहीं है, घर वालों को जाने देते नहीं है, और भगवान ना करे अगर उसका बेचारे का कुछ हो गया, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, तो हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक उसको एक बहुत ही आइसोलेशन माहौल में ट्रीट किया जाता है। इवन ही फैमिली मेम्बरों को देखने भी नहीं दिया जाता, कहीं कहीं जगह पे फैमिली मेम्बरों को बॉडी भी नहीं दी जाती है, या फैमिली मेम्बरों को शमशान भूमि में भी नहीं जाने दिया जाता है। जाने देते हैं, कितने लोग जमा होंगे, कितने लोग नहीं, गवर्नमेंट का वो सेफ्टी के लिए ठीक है, जिससे कि क्राउडिंग नहीं हो। हाँ, बट द प्रिकॉशन दैट यू टेक, जैसे अच्छे से रैप करते हैं, प्लास्टिक में वो करते हैं, जिससे कि ट्रांसमिशन के चांसेस बिल्कुल ही मिनिमम। हाँ, मेरा जो मेन सवाल है वो ये है कि आदमी की बॉडी डेड होने के बाद में, जैसे बाकी बैक्टीरिया तो नो डाउट कि डेड होने के बाद में, डेड होने के बाद में बैक्टीरिया फैलते ही है माहौल में, तो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करते हैं, लेकिन कोरोना में कुछ ऐसा है कि कोरोना की वजह से अगर वो है तो और ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हैं, चलाने के दरमियान डेथ होती है, तो उसके बाद में बॉडी सेक्रेशंस तो रहते हैं। यस, राइट, तो आप देखेंगे हम नाक बंद करते हैं, एनस में भी डाल के रखते हैं जी, तो टू प्रिवेंट एनी रिमोट चांस आल्सो जी जी, तो यू हैव टू टेक दोस प्रिकॉशंस। यस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना कि कोरोना वाले को जला रहे हैं, कोरोना वाले को ले जा रहे हैं, तो साइड के आसपास के माहौल को पूरे को वो नहीं, ऐसा क्लासिकली तो नहीं है जी, बट इतना डर बैठा है लोगों का, मैं भी आगे नहीं आता। मेन चीज डर ही है इसमें, क्या है कि जानकारी का अभाव और डर, ये दो चीजें ऐसी हो गई है कि आदमी को डिसीजन लेने को नहीं दे रही है, आदमी सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही है या गलत है, कंफ्यूजन रहता है। दूसरा, इसके अगर मेडिसिन के बारे में अपन बात करें आज की तारीख में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी जैसे अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले तो गवर्नमेंट ने शायद दो ढाई महीने तक वो हाइड्रोक्लोरोक्सीन और जिंक वगैरह अलाउ नहीं किया था, हालांकि पूरी दुनिया में 170 देश हमारी क्लोरोक्विन और जिंक खा खा के ठीक भी हो गए हैं, पर चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का अपना रहा होगा कोई मजबूरी। अगर एक आदमी हाइड्रोक्लोरिन और जिंक का जो भी कोर्स होता है या उसके साथ एक दो दवाओं का कोर्स होता है वो लेता है, तो वो मान सकता है कि मैं कोरोना से सेफ हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जस्ट बिकॉज आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लिया जी, या आपने इम्यूनिटी बूस्टर्स खा लिए जी, जो जिंक है या विटामिन सी है जी, जी, या जो आजकल होम्योपैथी में प्रचार चल रहा है जी, या आयुर्वेदिक के जो प्रचार है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स है। यस यस यस, ये आपको वायरस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यस, ये हो सकता है आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजीज कम कर सके। यस, तो आपको इतना सीवियर इलनेस नहीं हो अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है जी, तो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छा रखने में सिर्फ ये दवाइयाँ काम नहीं कर सकती हैं जी। तो अगर आपने जिंक खाया और आप
सौ किलो के हो और शुगर 300 है तो उसे कोई फायदा नहीं करने वाला। सही बात, तो बाकी की चीजें भी उसमें काम करेंगी। करेक्ट जी। सो यू हैव टू हैव वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब अच्छा खाएं, सही से सोएं, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करें, आपकी बाकी पैरामीटर्स को मेंटेन करें, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं इंटेंसिटी एंड सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम कर। जी। लेकिन जो अभी तक जो रिसर्च और जो भी इंटरनेशनली माना गया है, तीन चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं अभी भी। एक तो हमेशा मास्क पहनिए जब भी बाहर निकले, हैंड वॉशिंग करते रहिए और अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए, मतलब एज फार एज पॉसिबल अवॉइड कॉन्टैक्ट। किसी भी तरह की दवा ऐसी नहीं है जिसको खा के आप ये बोल सकते हो कि नहीं अब ये मेरे पे कुछ नहीं करेगा, ऐसा कोई दवा आज की तारीख में नहीं है। हालांकि वैक्सीन के बारे में भी इसी संदर्भ में बात कर सकता हूँ, वैक्सीन के बारे में भी अभी भी वैक्सीन ऐसी कोई अब तक मार्केट में आई नहीं जो आपको बोल सकते कि 100% आपको बीमारी नहीं होगी या कोई भी बीमारी नहीं। जी जी जी। जो भी वैक्सीन आज तक यूज हो रही है प्री कोरोना एंड फॉर कोरोना जब भी आएगी, तो ऐसी कोई सी भी दवाई वैक्सीन नहीं बोल सकती कि आपने एक बार वैक्सीन लगा लिया तो आपको बीमारी जिंदगी भर नहीं। तो पहले जैसे बचपन में हम लोग देखते थे कि वैक्सीन का टीका लगाते थे, मलेरिया का शायद था या खसरा का था, टीबी का था, वूपिंग कॉफ का था, जिसको बोलते हैं मम्स का था, रुबेला का था, तो अभी भी यूज करते हैं। हमने सुनने में आया है कि जिन बच्चों को पहले टीका लग चुका था उनकी कोरोना के साथ में थोड़ी सी अच्छी दोस्ती है, कोरोना लगने के चांसेस कम है, बट अभी तक साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है। ये सब हाइपोथेसिस थे। ठीक है, मीडिया है और बैठा है 24 घंटा न्यूज़ दिखा रहा है, तो कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। किसी ने बोला है लेकिन हाइपोथेसिस को तो वैलिडेट नहीं किया है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बहुत कुछ सिखा जाती है आजकल, तो वैलिडेशन नहीं होता। अभी जैसे ये अपना होम्योपैथिक की दवा है वो 5-5 गोली 4-4 गोली 3 दिन लेने का, 30 दिन बाद वापिस लेने का, तो वो खाली मन का वहम निकालने के लिए है या 30 दिन वाकई कुछ? जी, अगर आप उसको सही से पढ़े हैं, मैं होम्योपैथिक नहीं हूँ जी जी, लेकिन जो भी गाइडलाइंस आई है उसमें ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर दिया गया जी, ये ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं दिया गया जी। करेक्ट। तो अगर उसका जो भी होम्योपैथिक रहेंगे वो ज़्यादा जानकार रहेंगे, लेकिन वो बताएंगे कि हो सकता है इसकी इम्यूनिटी की इफेक्ट 30 दिन रहती है जी, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट और सस्पेक्ट, बट उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि इसकी वजह से आपको कोरोना नहीं होगा। तो अगर सपोज करोगे एज ए डॉक्टर मैं आपको पूछूं कि भाई ठीक है, किसी आदमी को कोरोना से बचने के लिए ये जो साधन है मास्क वगैरह वो करेगा, लेकिन सपोज करो कि किसी दवा पे वो भरोसा कर सके कि ये दवा ले लो तो आपको बचाव हो सकता है, ऐसी कोई दवा है? आइसोलेशन में ऐसे कोई दवा, प्रिवेंटिव में कोई दवा नहीं है? और मैंने तो ऐसा जैसे सपोज करो अपन जनरली बात करते हैं, अगर मैं बहुत बड़े रूप में बात करूं तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में ऐसी कोई 5 दवा है जिनको अपन बोल सकते हैं कि बीमारी को खत्म करती है? अभी तक जो दवाइयाँ अब तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी, जो गाइडलाइंस में भी आई हैं जी, और जो इंटरनेशनली भी यूज हो रही हैं जी, तो जो देशों में ऑलरेडी निकल चुकी हैं। हाँ हाँ। सो जो दवाइयाँ अभी तक आजकल हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का यूज वापस आ रहा है जी, और स्टीरॉइड्स हैं वो बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए है जी, नई ड्रग जो अभी आनी है अगेन वैलिडेशन चल रहा है, दैट इज रेमडेसिविर, एंड एक इंजेक्शन है टॉक्लिजुमैब जिसको बोलते हैं जी, आपने कहीं सुना होगा तो जी जी। तो ये हैं जो दवाइयाँ, बाकी बेसिक सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, अपन को फिर यही मान के चलना चाहिए कि आज का जो माहौल है उसमें सबसे पहले सावधानी, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, फिर अगर सपोज करो कि किसी को कोई सिम्टम्स आ गया हो तो एक प्रॉपर चैनल से जो सिस्टम बना हुआ हो, सिस्टम में 5 दिन 15 दिन 20 दिन का जो ट्रीटमेंट है वो लेके अपने शांति से घर आ जाए वो सबसे बेहतर है। या फिर उसको मैं दूसरे रूप में बोलूं, आने वाला समय का जो माहौल है, 3 महीना तो चलो हमने निकाल दिया, अभी आखिर लॉकडाउन तो हमेशा नहीं रह सकता, लाइफ तो अपने को चलानी है, तो आज हम सालों से टीबी, एड्स, कैंसर, इन जैसी बीमारियों के साथ भी चल रहे हैं, जिसको हो गई वो इलाज भी करवा रहा है, बाकी लोग अपनी उसकी सावधानियां जो है वो मेंटेन करते हुए उससे दूरी बनाए हुए और चल रहे हैं, वो लाइफ चल रही है, सालों से चल रही है। ऐसा तो नहीं कि कल उठ के अपने को कोरोना के साथ भी जीवन जीना है? क्यों नहीं, पॉसिबल है। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसने हमको 3 चीजें वापस सिखाई हैं जी, एक तो हाइजीन जी, जो हम प्रॉब्लम अपने देश में काफी पहले भूल चुके थे जी, सर्टेन सेक्ट करता था, सर्टेन क्लास और रूल में भी कर रहे थे, लेकिन हर कोई नहीं कर रहा था। हाइजीन का महत्व सिखाया है, भीड़ भड़क का नहीं करना है ये सिखाया है जी, तो
हो सकता है अभी हमारे क्यू सिस्टम्स थोड़ी बेटर हो जाएं, लोग लाइन से चढ़े लाइन से उतरे, जो पहले एक ही दरवाजे पे सब खड़े हो जाते थे जी, वो नहीं होगा होपफुली अगर हमारे पास कॉमन सेंस और हमने इसमें से कुछ सीखा है तो जी। एंड अगेन बैक टू बेसिक हाइजीन जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। चांस ऑफ गेटिंग कोरोना या चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम कोरोना जी इज स्मॉलर, बहुत कम है, बहुत रेशियो कम है देन द चांस ऑफ डाइंग इन अ रोड एक्सीडेंट। यस, और बाकी बीमारियों से भी अगर देखेंगे तो जो मरने वालों की संख्या है टीबी एड्स और कैंसर से वो इससे बहुत, इनसे बहुत कम है ये। और ठीक है, माहौल बन गया, बात अलग है, बाकी जनरल इसलिए बना है क्योंकि एक शॉर्ट स्पैन में बहुत सारे लोग बीमार हो जी जी जी, जो इनसे बाकी बीमारियों में नहीं होता है। हाँ हाँ, वो थ्रू आउट द ईयर स्प्रेड आउट होती है जी, तो मेडिकल सिस्टम ओवरवेल नहीं होते जी। इधर क्या हुआ, एक छोटे से टाइम पीरियड में सडनली बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो सारे साधारण उतने डॉक्टर्स उतने मेडिकल सारे व्यवस्था खत्म हो जाएगी एंड मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। यस, सो दैट इज व्हाई इट इज स्केरी, दैट इज व्हाई इसको पेंडेमिक बोलते हैं, बाद में इसको एंडेमिक कहते हैं। ओके, तो अभी आज के माहौल में अगर मैं एक आम आदमी के लिए जो नॉर्मल खाता पीता रहता है अपना, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? वही कहूंगा जो सरकार आपसे सबसे बोली रही है कि बहुत आवश्यकता है तो ही घर से निकले जी, घर से निकलेंगे तो हमेशा मास्क यूज करिए जी, अपना हैंड हाइजीन हमेशा मेंटेन करिए जी, डिस्टेंस मेंटेन करिए जी। लॉकडाउन खुला इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना निकल गया है, सही बात, यही रहेगा जी, हमें उसके साथ जीना है जी। एंड हमको अपनी आदतें बदलने की बहुत जरूरत है, हमारे को एक और बीमारी हो गई, एक और शादी कर ली, उसके साथ ही जिंदगी जीनी है, जैसे है खुशी खुशी जिएंगे, उसके माहौल में जिएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जिस दिन लॉकडाउन खुला है व्हाट्सएप इज नॉट द बेस्ट सोर्स, लेकिन तभी भी दिखाया था बस में लोग चढ़ रहे थे जी जी, एक लाइन सिस्टम रहती है, आप वो लाइन सिस्टम फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सब सोचे कि मैं ही सीट पे जाकर बैठ जाऊं जी जी, तो नहीं चल सकता ऐसे नहीं, सब लोग एक ही साथ घुस रहे थे, सब एक ही साथ होता नहीं, आगे के दरवाजे से पीछे के दरवाजे से सब 20-30 लोग एक साथ घुस रहे हैं, बेसिक एटिकेट है, रहती है आदतें सुधारनी होगी, जैसा माहौल है उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमें कोरोना के साथ ही जीना है, बस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहला बस स्टॉप का है वो पहले घुसे बस में, जो नेक्स्ट आया वो नेक्स्ट घुसे जी, और एक प्रॉपर डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन करें और सांस से सांस नहीं टकरावे उसकी कोशिश करें, तो आदमी को ज्यादा दिक्कत आने के चांसेस नहीं। और बाहर के खाने पीने के बारे में डॉक्टर साहब, आप जैसे अभी तो चालू होएगा ही बंद था, लेकिन अगर सपोज करो कल चालू होता है तो आम आदमी थोड़ा बहुत तो बाहर खाएगा ही, कोई मजबूरी में खाएगा, कोई शौक से खाएगा, तो आपका क्या सुझाव है उसके बारे में? इसमें से यही है कि अनकुक्ड फूड मत खाइए, वेरी गुड, जो भी खाएं अच्छे से गर्म किया हुआ या बॉइल किया हुआ या फ्राई किया हुआ, पका हुआ चीज ही खाइए, अनकुक्ड फूड अवॉइड करें जी। बाकी और कुछ नहीं, जो कार्टन वाटन आते हैं जिसमें भी आप घर पे मंगाते हो खाना जी जी, पैकिंग मटेरियल, वो पैकिंग हटा के उसको अपने बर्तनों में कर लीजिए। ओके, सो दैट तो पैकिंग मटेरियल के थ्रू बैक्टीरिया आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, पोस्टुलेटेड है, बट अगेन जब खाना गर्म है तो वो भी गर्म होगा जी जी। And, so, एक contact maintain करने के लिए it is a precautionary note कि you discard it. अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जैसे व्यापारी आदमी हैं, हमारे को हमारी लाइफ स्टाइल में पेपर्स का लेन देन बहुत ज्यादा होता है, फाइलों का आना जाना, लेटर्स का आना जाना, तो पेपर भी एक इसको ले जाने का जरिया है, कोरियर के थ्रू आए हुए या फाइलें कहीं से आई हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेपर के थ्रू आया, मैंने उसको हाथ लगाया तो ट्रांसमिशन हो सकता है? सो फोमाइन ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, मतलब सरफेस ट्रांसमिशन जी जी जी, ये डॉक्यूमेंटेड है। हां, अलग-अलग प्रकार के सरफेसेस पे वायरस के कुछ-कुछ बोलेंगे, किसी सरफेस पे वायरस 6 घंटे रहेगा, किसी सरफेस पे लाइक अलग हो सकती है उसकी, राइट। तो इसका एक तरीका है, जहां तक हो सकता है डिजिटल जाइए, पेपर वर्क कम करिए, तो एज पर द ग्रीन इनिशिएटिव पहले से चल रहा है जी, उसको और प्रमोट करिए, तो जो जो चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, जो जो फॉर्म्स ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी आपका जो आदान प्रदान हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है वो ऑनलाइन करिए जी, जितने मेल्स जो आप चिट्ठी लिख के भेजेंगे या जो वाउचर मंगाएंगे उसको ऑनलाइन करिए। नहीं, बाकी सब कर भी लिया फिर भी पेपर तो आएंगे थोड़े बहुत, तो जितने आपको सैनिटाइज कैसे किया जा सकता है? तो सैनिटाइज द पेपर होता ही नहीं है ना, सैनिटाइज पेपर कैसे सैनिटाइज कर लो? हाँ वही ना, तो इसमें एक ही तरीका है कि आपने पेपर फाइल वाइल टच किया फिर आप खाना खाने का अपने हाथों ही। ओके, अगर सपोज करो कि मैंने ऑफिस में 2 घंटा काम किया, पेपर टच किया, ऑफिस से बाहर निकलते जाते मैं अच्छे से हाथ धो के निकल जाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए?
हाँ, लेकिन आप पेपर टच कर रहे हैं, आपको पढ़ना पलटना, आपने थूकना भी पढ़ना पड़ता है, बराबर वो हैबिट तो सुधारनी पड़ेगी। सुधारनी अगर मुंह बांध के रखा और हाथ धो लिया तो मुझे डरना नहीं चाहिए। तो आप जब दो घंटे काम करो तो नाक नहीं भुजानी है, मुंह में वो सब नहीं करना। तो अभी डॉक्टर साहब से बात करने के दरमियान में मैं सीधी भाषा में बोलूं तो एक ही चीज समझ में आई है, अपने आप के सुधारो, अपना लाइफ स्टाइल सुधारो, तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना आपका दोस्त है, आपके साथ रहेगा, आपको जीवन इसी के साथ जीना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो मिला है गाइडेंस और उससे आम आदमी को काफी कुछ वहम दूर हो गए हैं, आने वाले समय में उसको काफी ईजी हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।